अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ARY डिजिटल का सबसे मकबूल तरीन ड्रामा सीरियल नूरजहां, जिसके आने वाले एपिसोड बहुत ही दिलचस्प और सनसनी खेज होंगे। आने वाले एपिसोड के अंदर आप देखेंगे नूरजहां सफीर से कहती है कि सफीर, तुम्हारी जो दूसरी बीवी है जिसका नाम माहा है, उसे तुम अपने साथ लेकर मेरे पास आओ। वो जहाँ भी है तुम्हें उसे ढूंढना पड़ेगा और ढूंढ कर मेरे पास लाना पड़ेगा। तो इसके जवाब में सफीर कहता है, अम्मी आप ऐसा क्यों कह रही है, मैंने तो उसे छोड़ दिया है, अब मैं उसके पास भी नहीं जाता, मैं सारा वक्त यहीं होता हूँ या फिर ऑफिस में, तो फिर उसको बुलाने का क्या मकसद है। तो जवाब में नूरजहां कहती है कि उसके बुलाने का मकसद ये है कि तुम उसको मेरे पास लाओगे और मेरे सामने उसे तलाक देकर फारिग करोगे, ताकि मुझे भी तो पता चले तुमने उसे छोड़ दिया है या नहीं। तो इसके जवाब में सफीर कहता है, अम्मी प्लीज ऐसा मत करें, जो भी है मैंने उसे फिलहाल तलाक नहीं दी है, अब तो उसकी माँ भी मर गई है, तो मैं उसे कैसे बदला ले सकता हूँ किसी बात का। तो इसके जवाब में नूरजहां कहती है कि नूरजहां कभी भी किसी के ऊपर उधार नहीं छोड़ती, उसने मेरे सामने एटीट्यूड दिखाए थे, तुम्हें याद होगा, उसी का बदला मैंने अपने सामने बुलाकर लेना है। दूसरी तरफ नूरजहां सफीना से कहती है, तूने जो किया है तेरी तो बहुत बड़ी सजा बनती है, तुझे एक मिनट में मैं इस घर से फारिग करवा सकती हूँ और हसनैत से कहकर तलाक दिलवा सकती हूँ। तो इसके जवाब में सफीना कहती है, मुझे माफ कर दें, आइंदा ऐसी कोई गलती नहीं होगी, मैंने तो वो पेपर्स देखे भी नहीं। तो जवाब में नूरजहां कहती है, ये तो शुक्र करो तुम्हें मैंने बख्श दिया, वरना इस वक्त हुनैद तुम्हारा क्या हाल करता तुम जान भी नहीं सकती। नाज़रीन अब आप ही कमेंट्स में जरूर बताएं कि इस मामले में सफीना को क्या करना चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब।